प्राइवेट स्कूल में जाया करते अच्छा। बच्चे कोई वो तनख्वाह नून की फीस ना भरना कारण सरकारी में नाम लिखवाना पड़ा मैंने उनका सरकारी लिखवा दिया स्कूल वाले हाँ जी उन्होंने कही एक भाई फीस जमा करवाना तो फिर वो कुत्ता मर जा है तो बुलाओ कमेटी वाला ना आदमी मर जा है तो बुलाओ कमेटी वाला ना वो सारी कमेटी का लागू कर दिया के और महकमे सारे मर गए के हैं और भी तो महकमे होंगे। नमस्कार मैं अजय और बात आज नगर परिषद की भाई मैंने कल रात को भी कहा था मैं अब भी कहूँ अगर सार्थक काम करोगे तो सही दिखाऊंगा गलत करोगे तो वो भी दिखाऊंगा। अब यहाँ के कर्मचारियों के दो तीन बार मेरे पास फ़ोन आए और कर्मचारी भी वो कर्मचारी हैं जो आज सुबह कर दें तो सांझ ना खा लें उस परिवार के बच्चे हैं और काम भी कह रहे हैं टेम्पो चलाते हैं यहाँ पे जो कूड़े वार्डों के अंदर उठान के लिए लगाए हों उनके ड्राइवरों की बात है और बात भी बड़ी गंभीर है कि उन लोगों ने कहा कि हमारे को चार चार महीने की तनख्वाह तक नहीं मिली। चार चार महीने किसी को तनख्वाह ना मिलना अब सोच ले आम आदमी किस तरह से वो अपना जी गुजार करता हुआ किस तरह से बच्चों को बड़ा पता गया और किस तरह से इस कोरोना काल के अंदर उसने अपनी व्यवस्था बनाई होगी। लेकिन दुर्भाग्य है नगर परिषद है सब चीज़ है ऊपर से नीचे सिस्टम है लेकिन उन लोगों की तरफ तनख्वाह की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। मजबूरी के है पता को नहीं बुझूँगा लेकिन बात पहले उनसे करूँगा जो आज मेहनत करी 8 घंटे 6 घंटे जो भी मेहनत करी लेकिन उनको उनकी मेहनत का सार्थक रूप व फल रूप नहीं मिल पाया। तो उड़े बैठे पाओगे इसके सफाई कर्मचारी की यूनियन बैठती है यहाँ पे और यहाँ बैठते हैं अधिकारी तो अधिकारी बाद में बुझूँगा पहले यूनियन तो बात करता हूँ टेम्पो वाले पाके तो वहाँ पे बात करूँगा कि आप लोग इन लोगों की तनख्वाह क्यों कौन दुआ लाग रहे जब आप ना गर्ज हो तो आप कपड़े काट के बैठ जाओ हो आप MLA का घराव भी कर लो सब काम कर लेते हो तो आज चार चार महीने की तनख्वाह इन गरीब लोगों को नहीं मिली क्या कारण मानते हैं और कब आप लोग इनकी आवाज़ उठाओगे। तो बात इन लोगों से कि व्यवस्था के है दिखाते क्यों नहीं व्यवस्था। उस कमरे में आ चुका हूँ जहाँ पे इनकी हाजिरी लगती हो और इस यूनियन के प्रधान बैठते हो नगर परिषद कर्मचारी संघ इकाई तो विजय कुमार है भाई बिल्कुल शान से बैठे आप मुझो ताव दे के अच्छी बात है। आपके सफाई के लिए शहर के अंदर कितने ऑटो हैं? ये अपने 16 ऑटो है जी 16 ऑटो हैं तो उनकी तनख्वाह के थोड़ा बहुत बताओगे विस्तार से। भाई साहब उनकी तनख्वाह बात मैं बताऊँ 3 महीने उनकी तनख्वाह अभी तक नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि वो जो कांत वकील है जो सत्यमान ठेकेदार है वो बिल बनवाता है कांत वकील के पास। अच्छा तो कांत वकील कल भी हम सामने सब अच्छे बताए वहाँ बैठे थे सबके पास। इस बोर्ड का कोई महत्व है? इस बोर्ड का कोई महत्व है या आप लोगों का महत्व है? 3-3 महीने से गरीब आदमी तनख्वाह नहीं मिले वो करेगा के खागा के गरीब आदमी लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल यह बात आपकी जायज है भाई साहब। मैं तो परसों कह रहा था भाई मैं बुला लो मैं थोड़ी बैठ देता मैं कभी बगैर भी देवांगे उस तक बात करूँगा जो आज ओली सोली बनाया बैठा है और खे भी भैया क्योंकि यो नहीं हो तो काम चालक होनी चाहे कोरोना काल की बात हो चाहे किसी प्रकार पुरुषोत्तम दानव नाम का दानव है दिल बड़ा खरगोशा बरगा ले रहा है बस सुस्त बरगा का दिल है मिनट पर पसीज जाए। नमस्ते। नमस्कार भाई साहब। आप दिल को पसीज जाए चाचा बिना तनख्वाह कौन दुआ लगे कर्मचारी की? भाई साहब ऐसा है बार बार हमने पालिका प्रशासन से जो हमारे ऑटो टिप्पर है ड्राइवर है उनके बारे में बार बार कहे लेकिन नहीं मिल रहा इनके जो टेक्निकल की अड़चन लाग रही है चाचा बिना था 4 महीने बल्कि जो 6 ड्राइवर हमारे उनके तो 4.5-5 महीने हो गए। अच्छा। और जो ऑटो वाले हैं इनके 3-3 महीने हो गए। यूनियन है आपका रूप है आप शुभ रूप हो तो आपके जखमारो हो कमेटी में अंदर जो आपके कर्मचारी भूखे मरे उस द्वारा दिल लेके खाने लग रहे हैं वो एक कहावत याद है गरीब की बहुसम की बाबी ठंडे बहुसम की ताई तो हम तो हालत हो तो आप गरीब हम ये कर ला रहे हो तो हम तखन द्वारा आप अपने लोगों को आपका काम हो तो MLA गुलाम भी हो जाए MPA गुलाम भी हो जाए तो हम कमेटी काट के सारे प्रदर्शन कर दो उनके गरीब आदमी तनखा कौन दो आपका? भाई साहब हम कपड़े काट का प्रदर्शन भी करता है आज भी प्रदर्शन करने तैयार है या बात आपकी जायज है कि गरीबी की बहुत सब की भाभी या और नगर पालिका तो सब की भाभी है। अच्छा, क्यों? कोई भी हो यानी कोई भी अधिकारी आओ है सबसे पहला गाज कमेटी हो पड़ा है और रही तनख्वाह की बात बार बार मैं अधिकारी आते मिलने के बाद भी आज तक उनका कोई समाधान नहीं हुआ लेकिन आज सुबह हमारे प्रधान जी गए थे विजय और उनका कह कहा भाई अगर जो आज उनका समाधान नहीं हुआ ना तो आज शहर में भी जुलूस शर्म आवा बिल्कुल आवा छत काट के कपड़े बैठो कौन कमेटी का पक्का देखा दे तो इस टाइम हो जा करता मारी भी छत से मिलने तनखा नहीं मिला करते हमने बेरा किस तरह गरीबी आज के कमी है पैसे की कमी नगर परिषद या फिर कोताही बरतना रहे हैं भाई साहब
बिल्कुल भी कमी नहीं है, अप्सरा की नींद साफ नहीं है। कौन किसके मेन है वो? भाई सारे मैन है, बता किसका नाम ले। नीचे तक, ऊपर तक, नीचे तक सब। चेयरमैन का कितना रोल है और ईओ का कितना रोल है और इसके अंदर अधिकारी कौन कौन है मेन? भाई सारे बराबर से। अच्छा, अकाउंटेंट से लेकर ईओ और चेयरमैन जितने भी है ना, सब बराबर है। ये सब तो बार बार मैं कहना के बाद भी आते हैं, उनकी तनख्वाह समाधान। भाई मैन रोला जो तनख्वाह बनाओ है ना, जो काम ना कर रहे उनकी तनख्वाह लिखने का रोला से। समझ गया? ये इनके है, ये यूनियन है, अब पक्के हो गए, मजबूत हो गए, क्योंकि वर्ष वर्ष तो नीम मजबूत कर दी अपनी। तो आज ये उधार भी ले सके हैं, बस मार्केट के अंदर बवार भी है, सब कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि बालक चल के ब्याह बैठे हैं। लेकिन दुर्भाग्य उनके लिए है जो अपने महीने की तनख्वाह के ऊपर आज करके बैठा है कि मिल जाएगी टाइम पर, खा लेंगे बच्चे, खा लेंगे अपने बच्चों को त्यौहार। और सबसे बड़ी बात देखें, इस देश के अंदर सबसे बड़ा पवित्र त्यौहार आ रहा रक्षाबंधन का, और जिस महीने जिस बंदे को रक्षाबंधन चार महीने तक की तनख्वाह ना मिली हो, कर्मचारी फोत कर्मचारी को, एक मिनट भाई, जिसको तनख्वाह ना मिली हो चार महीने की, वो गरीब आदमी के तो खागा हद की बात है। फिर कहें बुढ़ा ला बोलो, अद करो की बात है। अगर कोई कर्मचारी आ गया तो उनकी सुनाऊंगा जरूर कि ये व्यवस्था रात्र घर की, वह तो बता दे किसको जाके रोवे, किसने जाके नहीं रोवे, काम नहीं करें तो ये कौन जीण दे। काम करो, काम करो, काम करो, तनख्वाह भी थम दुआ दो, बैठ जाओ हड़ताल पे, बैठो भूख हड़ताल पे, काट के बैठो गाबे, काट के बैठो, जाओ MLA की कोठी आके, आज वो गरीब की सबकी भाभी बना दी, आज कुर्सी बैठ के ऐसे ले जिसे लेना रहे घूमने वाले कुर्सी के ऊपर, वाह नगर परिषद वाह रहे अपने प्रधानों जिन्होंने प्रधान बनाए, उनका सार्थक काम कौन करवा पाओगे? तो भविष्य में आप लोग करवाओगे के क्या फायदा इस कुर्सी का तरीका, और क्या था नौकरी का मांगो हो जो आज गरीब आदमी को महीने की तनख्वाह नहीं है, उनका ना खाना दाना कौन, रोटी खाना कौन, कितने बच्चे उनका जी खाएंगे? दुर्भाग्य कुर्सी का भी जो आज बैठ बैठ के वो ठोड लगा बैठ बैठ के, लेकिन शर्म नाम की चीज़ नहीं है कि उनकी तनख्वाह मिलनी चाहिए, चार चार महीने हो गए। नमस्ते। नमस्ते जी। ये नाम है कमला जी। कमला जी पक्के हो ना जी? इसमें 160 में। तो व्यवस्था तो आपने पुराने पुराने काम करते हो कमेटी में तो? हाँ जी, जब नए नए लागे थे तब तनख्वाह रुकिया करते, तो घर का माहौल क्या बनाया करता? क्या बनाया करता, छह छह महीने मिलिया कर दी जी। और आज की व्यवस्था हो रही है? आज तो बस पूछो है ना, चार चार महीने हमारी तनख्वाह नहीं मिलती, तनु बताओ हमारे बच्चे के खाम है? वो एक वो हाल है, वो एक ना कुछ नहीं बदला, उस तो बिगड़ गया, बदला के था बदले से प्रधान है, चेहरे बदल गए, कुर्सी वाह की वाह है, आदमी वाह के वे है, लेकिन कुछ नहीं है, कुछ नहीं बदला है जी। मारी तो बच्चा की मारी बहुत बिरान माटी हो रही है, कुत्ता मर जाए है तो बुलाओ कमेटी आया ना, आदमी मर जाए है तो बुलाओ कमेटी आया ना, वो सारी कमेटी का लागू कर दिया के, और महकमे सारे मर गए के है, और भी तो महकमे होंगे, अक मारे नाम लिख दिया, तनख्वाह मारी टेम पर नहीं है, पागला कितरिया मारे आदमी अंडे था, पागला कितरिया मारे और अंडे था जी, मैं जब शिवराम मार दो जी, मैं क्या मार दो मार दे, मारे दो दो तीन तीन आदमी मर गए, उनकी कोई वो नहीं, कुत्ते कितरिया काट के फेंक दे, वह है तनख्वाह तक दे। चलो ये तो वो कमरा था जड़ा यूनियन है, अब अंदर का हाल देखूंगा, वहाँ की व्यवस्था दिखाऊंगा, अधिकारी कैसे ज्ञान लेने लग रहे हैं। नगर परिषद के अंदर ही हूँ, और ये वो दुर्भाग्यवान आदमी है जो आज काम भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, और लोगों को कूड़ा उठा उठा के बावड़े हो गए, इनको सपने में कूड़ा दिखे, हद की बात है। लेकिन दुर्भाग्य है, मेहनती आदमी, मजदूर कौम के आदमी, लेकिन दुर्भाग्य ये अब ये 23 भी बन गई, 15 अगस्त भी बन गई, और ये त्यौहार आ जाएगा, पूछिए रक्षाबंधन भी आ गई, इवन सामने भी आ गया, बाढ़ में लेने देने देने भी आ गया, लेकिन तनख्वाह का कभी नहीं रुकी है, चार महीने हो गए सर। ये बात सर रोज नो हो जाए, आज सैन को नहीं, आज यो साहब के सैन को नहीं, आज चेयरमैन साहब। कितना बड़ा परिवार आपका? मेरे तो छः बंदे हैं जी घर में। अब बंदे छः हैं, कमाने कितने हैं? कमानिया मैं एक ही हूँ। अब जिस घर में छः बंदे हों और बराबर का खानिए हों और कमानिया एक हो और उसे की तनख्वाह चार छः महीने हो जाए, तो के तो मांगे नगर परिषद का अधिकारी, और के मांगे वो प्रधान, और के मांगे वो जो आज भाजपा के जजकार जजकार, बस हद कर दी, हद ना करें, गरीबों की सुनो, ताकि इनकी दुआ भी मिलेगी, आशीर्वाद भी मिलेगा। हाँ, कब के महीने की होगी? चार महीने हो गए सर। चार महीने हो गए। क्या नाम है? साहिल नाम है। क्या वार्ड में जाएगा? 23 नंबर है, राजकुमार MC का। राजकुमार MC का काम से ही होना रहा है। हाँ जी हाँ। लेकिन दुर्भाग्य कहाँ मिलने लगी? आ जा, भाग जा। क्या नाम है? सोनू। सोनू कितने बच्चे हैं, के परिवार की स्थिति बता? परिवार में तो मैं एक कमानिया हूँ, तीन बालक हैं। पढ़ा है बालक? हाँ। कब में पढ़ा है? एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, एक 10वीं में पढ़ा है। अच्छा। एक 9वीं में है, एक 7वीं में है। और तनख्वाह मिलेगी? मास्टर आते भी गोली देते हैं, जी मिल जाएगी जी, फीस जमा करवाएंगे। व्यवस्था किस तरह? थोड़ा थोड़ा करके कुकर चला भाई नू है जी,
कदे दूध आला लत्ते पाड़ा है, कदे दुकान आला लत्ते पाड़ा है, बस तंगा तुलसी करके दुकान आला ने उधार देने तो बंद कर दी। अच्छा। लाज चार चार महीने थोड़ी आगे उधार तो खा लियो, इनका जी खा लियो, पेट के सारे इतने पेट परेशान होत है, बके तेरा जी खावा तो जी खा लिया, नहीं इनका जी खाना एक रहा जी, बहुत तंग हो रहे हैं जी, बहुत परेशान हो रहे हैं। तो मिलो भी हुए जाके? रोज मिला जी। ये कहते हैं रोज ये कोई सैन ये साहब के कोने को ठेकेदार ने कोनी आया अभी, कदे चेयरमैन साहब को नहीं, कदे विकास बाबू जी का नाम आ जाए, के करा जी रोज आ जाए वहाँ जी। तो के जिक्र है नौकरी करने का जिक्र है जी, मजबूरी है करा के बड़क पड़ने, और कोई काम भी ईमानदारी काम है तो मांगे खाना है। हाँ काम चोरी जारी आवा कोनी सीखी कोनी ना जी, ये चीज तो कोनी चोरी जारी, माँ बाप ने संस्कार में दी कोनी, ईमानदारी करके खाना चाहो है, मेहनत कस की वो कमाई खावा है, जो सुबह से तपती धूप के अंदर तो दिन रात काम करे नगर परिषद के लिए, और वो ही आदमी आज तरस है तनखा के लिए, इन के कसूर इनका, इनका बच्चों के कसूर है, जी तो उनका भी होगा, जिसे इनके इनके बच्चे तो जी है उनका, इनके बच्चों जी भी है, अधिकारी हो चेयरमैन हो ऊपर कोई भी हो, अपने आप की पीठ न थपता है ना, क्योंकि आज मजदूर की आत्मा रोने लग रही है, जो आपका फर्ज कर्तव्य दायित्व है आपने दुआनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल में जाया करते बच्चे, कोई वो तनखा नून की फीस ना भरना कारण सरकारी में नाम लिखवाना पड़ा, मैंने उनका सरकार लिखवा दिया, लिखवा दिया स्कूल वाले। हाँ जी उन्होंने कही भाई फीस जमा करवाना, तो फिर वो कराएंगे। दुर्भाग्य है इस देश की तिरंगा यात्रा का भी, पता नहीं क्यों क्यों गीत बीन बजा डाली, लेकिन हद है, अब के तो नाम दोगे, के काम करेंगे, के काम करेंगे, बच्चे तक प्राइवेट में डायरेक्ट उठा दिए, सरकार में नाम डलवा दिया, भाई अधिकारी ना हो तो भी बढ़िया, नगर परिषद के वहाँ एंट्री कर ली जहाँ पे अधिकारी बैठे हैं, अब इस साइड तो है चेयरमैन कमरा, और इस साइड में ईओ का अकाउंट ब्रांच है, और मामन चंद का भी वो भी इसी साइड में है, अब कोई अधिकारी बेरा कौन बैठा है नहीं बैठा है, लेकिन मामन चंद दूर बैठा है, उससे बात कर लेता हूँ कि तनखा की कौन दुआ लग रही भाई, तो अधिकारी को पाया को नहीं, तो भाई नगर परिषद उप प्रधान पा गया, मामन चंद के रूम में पा गया, करें बात करूँ तो 1:40 में सो पा गया नगर परिषद का मामन कुर्सी पर है। जी जी भाई अजय कैसे हो? मैं बढ़िया, आप सुनाइए। अजय भाई हमारा एक ही मकसद है, अभी रन सिंह भाई थोड़ी देर पहले उठ के गए हैं, वो भी जो समस्याएं थी सुन सान के और वो लंच करने के लिए चले गए, और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, इसीलिए बैठा हूँ कि कोई भी यहाँ पे कोई समस्या है कोई बात है। समस्या कोई कर्मचारी की चार हो तंगा को मिले टेम्पो आ रहा है, चार नहीं 3 महीने बताओ आप, चार हो गए बस, चार चौथा लगे हुआ है। अच्छा चौथा लग रहा है, हो जाएगा ना 10 दिन पूरा हो जाएगा? नहीं वो तो होना ही है। अच्छा अच्छा, वो तो एक समय के हिसाब से जो दिन निकलेगा तो समय आएगा। अब इनकी समस्या जो इससे पहले हमारी जो हाउसिंग मीटिंग थी 10 तारीख को, उसमें भी ये मुद्दा उठा था कि इनकी तनख्वाह के बारे में इनकी तनख्वाह दी जाए, इससे पहले जो हमारी नॉलेज बात आई इनको 2 महीने की तनख्वाह देने लग रहे थे, ये खुद ही ऐसे बोल ले कि हम 2 की नहीं 10 दिन ऊपर हो रही है हमारे, हमें 3 की इकट्ठी ले लेंगे। हम तो गरीब का क्या आवाज ठाणी होना है, कपड़े काट के मिनट बिल्कुल नहीं, आज भी कमी जाके बैठ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, तो जो 2 महीने की 3 महीने आप समझदार थे, वो तो अनपढ़ थे, आप तो समझदार थे, आप द्वारा थे नहीं, वो मेरी संज्ञान में मामला बाद में आया, ये कह रहा हूँ मैं, जब हमने ये कहा कि तनख्वाह क्यों नहीं, मामला उस टाइम आया पता लगा जब। अब हाउस की मीटिंग में मुद्दा उठा इनकी तनख्वाह के बारे में 10 तारीख को मुद्दा उठा था, उसके बाद इनका जो बिल वगैरह बनते हैं ठेकेदार बनाता है जो बिल है वो ठेकेदार के पास बिल जा चुके थे जहाँ तक मेरे को पता है, बिल्कुल सच्चाई बताऊंगी झूठ बोलूँगा, और ईओ साहब ने यह कहा था उसी दिन कि ठेकेदार को आज ही तू काम कर ले, मैं आज ही साइन कर दूँगा, उसके बाद मैं 2-4 दिन बिजी हूँ 15 अगस्त के चक्कर में और चंडीगढ़ के चक्कर में। अब ये 15 अगस्त भी चला गया, कल ईओ साहब छुट्टी पे थे, आज रिसेंट चार्ज होने की वजह से नारनौल है, तो मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ ये मजदूर नहीं हमारे भाई है, भाई मानते हैं 7-7 दिन लेट होकर नहीं, इसके अलावा भी अगर ये कह देते हैं हमें कोई जरूरत है कोई बात है तो हम उसको पूरा करने का करते हैं, ये नहीं कि हम उन्हें तकलीफ पाने देंगे, ठीक है ऑफिस में जो दिक्कत हुई है उसको ठीक करने का काम, मैंने आपने बात मेरी पूरी नहीं सुनी, ईओ साहब जैसे ही कल आएंगे इसको 101% कल ही करवाने का कार्यक्रम, कल को ऊपर बात है हाँ, जब ऑफिसर है नहीं एडिशनल चार्ज है नारनौल है तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ओ 7 दिन में जोल खड़ा रह गया मामा ने, 7 दिन का जोल तो बता दे, 7 दिन का जोल ये 15 अगस्त बीच में आ गया, 4 दिन ड्यूटी पर है परमानेंट,
बृहस्पति शुक्र शनिवार इतवार चार दिन तो लगातार छुट्टी मतलब काम पे रहे, 15 अगस्त की ड्यूटी दी, ये तो आपको पता है 15 अगस्त की ड्यूटी में पूरे प्रशासन को जाना पड़ता है, और उसके बाद कल वो छुट्टी पे थे, आज रिसल चार्ज 6 दिन। रक्षाबंधन कब का है? है रक्षाबंधन, रक्षाबंधन 22 तारीख का है। हाँ, दिन लगे आज होगी 16-17 होगी। हाँ 5 दिन नहीं होगा कल, 1 मिनट 5 दिन 1 मिनट 5 दिन नहीं, आप 3 दिन मानो, 3 दिन मानो, वर्किंग डे मानो, हाँ शनिवार इतवार 3 दिन में यू तो नहीं होगा कि कल के ऊपर बैठे रह जाएंगे और फिर वो बेबे पर मुकर बैठे रहेंगे, फिर उनकी बहन भी आओगे, बेटी भी आओगे, सब कुछ जाएंगे, क्या करोगे आप लोग? सुनो मेरी बात, नंबर एक तो इनको तनख्वाह दिलाएंगे, अगर इनको तनख्वाह ना मिली तो 1-1 महीने तनख्वाह मैं इनको रण सिंह भाई और मैं मिलकर देने का काम करेंगे, एडवांस वो बहन बेटी हमारी भी है, आपने ये कहा कि अगर ये काम नहीं हुआ तो मैं कह रहा हूँ 3 दिन है बाकी वर्किंग, मैंने खुद बताया आपको, आप 5 दिन मान रहे हो, 21 को शनिवार है, 22 का संडे है, 22 का त्योहार है, अब रह गया आज मंगलवार है, बुध बृहस्पति शुक्र 3 दिन, 3 दिन में सैलरी दे देंगे, बात खत्म। चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद होगा मामन, कभी गुजरे हो उस स्थिति में देखे जो आज वो लोग स्थिति में गुजरने लग रहे हैं, उनको कोई उधार में सामान कौन देवे, उधार में को रुपये 10 रुपये कौन देवे, वो बीडियो तो के मोहताज हो गए, चाय तक दूध की थैली तक मोहताज बैठे। भाई साहब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अजय भाई एक भी भाई जितने आप उनसे मिल के आए हो, एक भी भाई अगर ये कह दे अगर उन्होंने कभी भी हमसे किसी बात की कोई उम्मीद रखी है या कोई इच्छा ना रखी है या मतलब उधार ये लगा लो, आप उधार की बात कहते हो ना, मैं कहता हूँ उनको उधार में जो चीज़ है ना वो चीज़ दवाने का काम हम करते हैं, लेकिन खुददार है भाई साहब, खुददार है वो तो क्रेडिट को ऊपर सोचता है, हम उधार ना मांगने जाओ कैसे हमारा क्रेडिट मिल जाओ, हमारा मुझसे काम चला, खुददार की पहचानवाई होगा, खुददार की एक चीज़ और बताता हूँ पॉइंट के बारे में, अगर इन्होंने आपसे या मेरे से या किसी और से उधार ले भी लिया ना तो तनख्वाह जेब में डलते ही सबसे पहले जिनके उधार ले रखे उनके पास जाते हैं, जलेबी की तरह सीधी बात तो नहीं रहेंगे ना, 3 दिन तनख्वाह दवा दोगे ना? बिल्कुल बिल्कुल 3 दिन के अंदर तनख्वाह मिले, जलेबी की तरह सीधी बात, बिल्कुल 100% नहीं नहीं घुमाने वाली कोई भाई, अधिकारी मिलो या ना मिलो, लेकिन प्रधान मामन ने वादा दे दिया और कह भी दिया अगर तनख्वाह नहीं दे पाया नगर परिषद किसी कारणवश तो एडवांस भी उनको अपनी तरफ से 1 महीने की रण सिंह यादव व ममन द्वारा दी जाएगी, त्वार के ऊपर सुखा त्वार तो उनका कौन जाना जाए, अच्छी बात है अधिकारी को मिला कौन छुट्टी में है कि किस 15 अगस्त की बना के प्रोग्राम बिजी हो गए थे। तो जे एन सी न्यूज से अजय नायक पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।